दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का ऑप्शन ज्ञान हिंदी न्यूज चैनल में एक बार फिर से। तो दोस्तों आज हो गया 2 अगस्त 2019 दिन शुक्रवार का। बात कर लेते हैं आज की मुख्य समाचार टुडे ब्रेकिंग न्यूज इंडिया न्यूज हेडलाइन अपडेट्स की। कई सारी महत्वपूर्ण और काम की खबरें हैं, ध्यान से पूरे वीडियो के साथ आखिर तक जरूर बने रहिएगा। जी हाँ दोस्तों, बैंक खाता धारकों के लिए बड़ी खबर, बड़े अपडेट, मोदी सरकार की बड़ी घोषणाएं और बड़े नियम। इसके अलावा दोस्तों अलग अलग राज्यों से आई हुई बेहद सिलेक्ट करके लाई गई खबरें जो केवल केवल आपके काम की है। एक एक करके हम आपको तमाम बड़ी खबरों के बारे में जानकारियां देंगे। उससे पहले आपसे एक निवेदन है दोस्तों, अगर आपको आज का न्यूज मुख्य समाचार टुडे ब्रेकिंग न्यूज अच्छा लगे तो इसे लाइक कर दें और ज्यादा से ज्यादा अपने फेसबुक और व्हाट्सएप पर जरूर शेयर कर दें। तो दोस्तों अब सीधे आ जाते हैं आज की मुख्य ताजी बड़ी खबर की ओर। जी हाँ दोस्तों, अगली बड़ी खबर है कि रेलवे का महिलाओं को तोहफा, लाया पिंक ट्रेन कोच। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि महिलाओं की सुविधा के लिए भारतीय रेलवे ने की बड़ा कदम उठाया है। वैसे तो अब ज्यादातर सरकारी यातायात के साधनों में महिलाओं के लिए सीटें रिजर्व होती हैं, लेकिन इसके बाद भी जब जनरल डिब्बे में महिलाओं की यात्रा करने के बाद बात आती है तो वो बेहद मुश्किल लगता है, क्योंकि महिलाओं को बच्चे के साथ जनरल डिब्बे की भीड़ भाड़ में काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है, खासकर तब जब वो अकेले ही यात्रा कर रही हूं। ऐसे में जनरल डिब्बे में सुविधाजनक यात्रा उनके लिए आसान नहीं होती। इन सब परेशानियों को देखते हुए रेलवे ने कदम उठाया है कि पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे ने जनरल डिब्बे में रेल यात्रा को महिला यात्रियों के लिए आसान और सुविधाजनक बनाने का फैसला किया है। महिला यात्रियों को जनरल डिब्बे में यात्रा के दौरान आसानी और सुरक्षा देने के लिए पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे ने ट्रेन के जनरल डिब्बे को गुलाबी रंग से रंगना शुरू कर दिया है। यह रंग यात्रियों को महिलाओं के लिए रिजर्व सीटें पहचानने में मदद करेगा, ताकि वे रिजर्व सीटों को ना घेरे और भीड़ भाड़ के वक्त भी महिलाओं को सीटें मिल सके। तो दोस्तों पूरी जानकारी के लिए आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो दोस्तों बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। जी हाँ दोस्तों, अगली बड़ी खबर है कि अगस्त माह के पहले दिन 6 पैसे प्रति लीटर सस्ता हुआ पेट्रोल, डीजल के दाम स्थिर। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि तेल विपणन कंपनियों ने गुरुवार 1 अगस्त को पेट्रोल के दाम 6 पैसे प्रति लीटर घटाए हैं, वहीं डीजल के दाम स्थिर बने हुए हैं। इंडियन ऑयल की वेबसाइट के अनुसार आज दिल्ली, कोलकाता, मुंबई और चेन्नई में पेट्रोल 6 पैसे प्रति लीटर सस्ता हुआ है, वहीं चारों महानगरों में डीजल के दामों में कोई बदलाव नहीं हुआ है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि आज पेट्रोल 6 पैसे सस्ता होकर दिल्ली में 72.80 रुपए प्रति लीटर मिल रहा है, मुंबई में 78.42 रुपए, कोलकाता में 75.44 रुपए और चेन्नई में पेट्रोल 75.60 रुपए प्रति लीटर हो गया है। जी हाँ दोस्तों, डीजल के भाव की बात करें तो चारों महानगरों दिल्ली, कोलकाता, मुंबई और चेन्नई में डीजल के दाम में स्थिरता बनी हुई है। चारों महानगरों में डीजल के दाम क्रमशः 66 रुपए, 68.19 रुपए और 69.17 रुपए और 69.71 रुपए प्रति लीटर है। जी हाँ दोस्तों, अब बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। जी हाँ दोस्तों, अगली बड़ी खबर आ रही कि 7 मिनट में कर सकेंगे आयकर रिटर्न फाइल। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि फिनटेक कंपनी क्लियर टैक्स ने निशुल्क आयकर रिटर्न दाखिल करने के लिए एक नया ऐप लॉन्च करने की घोषणा की है। क्लियर टैक्स मुख्य रूप से आयकर दाखिल करने, जीएसटी कंप्लायंस और म्यूचुअल फंड निवेश के सॉल्यूशन प्रदान करती है। कंपनी के मुताबिक ज्यादा लोग वित्तीय और आर्थिक लेन देन के लिए मोबाइल का उपयोग करते हैं, ऐसे में मोबाइल उपभोक्ताओं को सुविधा प्रदान करने के लिए क्लियर टैक्स ने एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया है, जिसका उपयोग करदाता अपने मोबाइल से मात्र 7 मिनट में ई फाइलिंग करने के लिए कर सकते हैं। तो दोस्तों पूरी जानकारी के लिए आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि करदाता ऐप पर मैनुअल रूप से सालाना आय का विवरण डाल सकते हैं और क्लियर टैक्स खुद ब खुद किसी भी करदाता की गणना कर लेगा। जिन करदाताओं को सहायता की आवश्यकता होगी वे अपना ITR दाखिल करने के लिए विशेषज्ञ सहायता का विकल्प चुन सकते हैं। ऐप आयकर दाखिल करने वाले पोर्टल से डेटा भरने का विकल्प भी देता है। जी हां दोस्तों, अब जान लेते हैं अगली बड़ी खबर क्या है। जी हाँ दोस्तों, अगली बड़ी खबर आ रही है कि कुलभूषण जाधव को भारतीय राजनयिक से मिलाने पर पाकिस्तान ने फंसाया पेंच। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि पाकिस्तान ने भारतीय नौसेना के पूर्व अधिकारी कुलभूषण जाधव को राजनयिक पहुंच काउंसलर एक्सेस देने का फैसला तो कर लिया है, लेकिन इसमें पेंच लगाने से वह अभी बाज नहीं आया है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ICJ के फैसले के 2 हफ्ते बाद पाकिस्तान ने सशर्त प्रस्ताव भेजा है। ICJ के फैसले के मुताबिक पाकिस्तान को जाधव को भारतीय राजनयिकों से मिलने की इजाजत देनी है। माना जा रहा है कि पाकिस्तान ने शुक्रवार यानी 2 अगस्त 2019 को ही इस मुलाकात का प्रस्तावित समय भेजा है। भारतीय विदेश मंत्रालय ने भी प्रस्ताव मिलने की बात स्वीकार की है, इसकी समीक्षा की जा रही है और जल्द ही इसका जवाब दे दिया जाएगा। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रवीश कुमार ने गुरुवार को कहा कि हम अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के फैसले के मुताबिक पाकिस्तान के प्रस्ताव पर विचार कर रहे हैं, हम राजनयिक चैनल पर इसका जवाब उचित समय पर देंगे। जी हाँ दोस्तों, पूरी जानकारी के लिए आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो दोस्तों अब जान लेते हैं अगली बड़ी खबर क्या है।
जी हाँ दोस्तों, अगली बड़ी खबर जान लेते हैं मौसम विभाग से कि अभी नहीं थमेगा भारी बारिश का दौर। मौसम विभाग ने इन राज्यों में बताया खतरा। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि भारत मौसम विज्ञान विभाग ने आने वाले 2 महीने के लिए मौसम का पूर्वानुमान जारी किया है। इसके मुताबिक अगस्त सितंबर में मानसून सामान्य रहने की संभावना है। इसके साथ ही मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों का हाल भी पेश किया है, जिसमें देश के कई राज्यों में भारी बारिश का अनुमान लगाया गया है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि विभाग के अनुसार अगस्त सितंबर के दौरान देश भर में बारिश दीर्घावधि औसत LPA का 100% होने की संभावना है। हालांकि इसमें 8% की कमी या बढ़ोतरी हो सकती है। सिर्फ अगस्त महीने में बारिश की बात करें तो ये LPA का 99% होने की संभावना है। इसमें भी 9% की कमी या बढ़ोतरी हो सकती है। जी हाँ दोस्तों, पूरी जानकारी के लिए आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, अगली बड़ी खबर है कि देश के 12 राज्यों में सामान्य से भी कम बारिश, खेती पर हो सकता है असर। जी हाँ दोस्तों, वैसे तो बहुत सारे राज्यों में बारिश इतनी हुई है कि बाढ़ आ गई है, मगर ऐसे भी कुछ राज्य हैं जहां पर बारिश बिल्कुल नहीं हुई कि खेती पर उसका असर पड़ सकता है। तो दोस्तों जान लेते हैं वो कौन कौन से राज्य हैं। जी हाँ दोस्तों, जून से शुरू होकर सितंबर तक चलने वो 4 महीने के मानसूनी सीजन का आधा हिस्सा बीत गया है। इन 2 महीनों में देश की 2 तस्वीर दिखी है। महाराष्ट्र और बिहार में बाढ़ जैसी स्थिति बनी है जो लोगों के लिए विनाशकारी साबित हो रही है। वहीं देश के कुछ हिस्से ऐसे भी हैं जहां बारिश की बूंदें लोगों को तरबतर नहीं कर सकी हैं। बारिश में समग्र कमी घटकर जरूर 9% रह गई, लेकिन 12 राज्यों में अभी सामान्य से कम बारिश दर्ज हुई है। मानसून के शुरुआती 2 महीने में बारिश पर एक नजर है। जी हां दोस्तों, देख लीजिए कि वो कौन कौन से राज्य हैं जहां पर बारिश बिल्कुल हुई नहीं है, मतलब सामान्य से भी कम बारिश हुई है, तो वो आप देख सकते हैं। पूरी जानकारी के लिए आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि मानसूनी बारिश का देश की अर्थव्यवस्था और कृषि के विकास में अहम योगदान है। देश की 55% उपजाऊ जमीन सिंचाई के लिए बारिश की बूंदों पर आश्रित है। देश की 2.5 लाख करोड़ डॉलर की अर्थव्यवस्था में इस क्षेत्र की 15% हिस्सेदारी है, जबकि रोजगार देने का आज भी यह सबसे बड़ा क्षेत्र है। कृषि मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार 19 जुलाई तक देश में 5.67 करोड़ हेक्टेयर में फसलों की बुवाई हो चुकी है। हालांकि पिछले साल के मुकाबले ये 6.9% कम है। तो दोस्तों बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। तो दोस्तों खबरों में आगे बढ़ने से पहले बात कर लेते हैं आज के माइंड क्विज के सवाल का। तो आज का सवाल है कि भारत रत्न प्राप्त करने वाली पहली महिला कौन थी। इसका जवाब आपको वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स के में देना है और सही जवाब देने वालों को रैंडमली सिलेक्ट किया जाएगा और वो जीत सकता है बंपर पुरस्कार। तो दोस्तों बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। जी हाँ दोस्तों, अगली बड़ी खबर आ रही कि जल्द ही चार्टर्ड प्लेन के जरिए पहुंच सकेंगे कैलाश मानसरोवर तक। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि जल्द ही कैलाश मानसरोवर तक पहुंचने के लिए दिल्ली से लहासा तक की चार्टर्ड फ्लाइट सेवा शुरू हो सकती है। भारत और चीन के बीच हाल ही में हुई बातचीत के प्रमुख मुद्दों में कैलाश मानसरोवर की यात्रा आसान बनाने का मुद्दा प्रमुख रहा। इसके अलावा चीन के फॉरबिडन सिटी में योग दिवस 2020 मनाने और दोनों देशों में एक दूसरे की शैक्षिक डिग्री को मान्यता देने का मुद्दा भी शामिल रहा है। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि सूत्रों के मुताबिक 12 जुलाई को नई दिल्ली में हुई दूसरी सिनो इंडिया हाई लेवल मैकेनिज्म और ऑन कल्चरल एंड पीपल टू पीपल एक्सचेंज बैठक में कई मुद्दों पर चर्चा हुई है। इस बैठक में चीनी अधिकारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शामिल हुए। दोनों देश कैलाश मानसरोवर की यात्रा पर जाने वाले श्रद्धालुओं की यात्रा आसान बनाने के लिए चार्टर प्लेन सेवा शुरू करने के प्रस्ताव पर गंभीर दिखे। इसके अलावा चीन तिब्बती इलाके में एक डोमेस्टिक एयरपोर्ट को अंतरराष्ट्रीय स्तर के एयरपोर्ट में बदलने की योजना पर भी काम कर रहा है। तो दोस्तों पूरी जानकारी के लिए आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो दोस्तों बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। जी हाँ, अगली बड़ी जो खबर है वो है कि रोजाना 5 घंटे से ज्यादा स्मार्टफोन इस्तेमाल पर हो सकती है कैंसर, डायबिटीज जैसी बीमारियां। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि युवाओं में आज तेजी से स्मार्टफोन का क्रेज बढ़ रहा है, लेकिन ये बढ़ता क्रेज उनके स्वास्थ्य के लिए बेहद ही खतरनाक साबित हो सकता है। जहां एक तरफ मोबाइल लोगों की जिंदगी को आसान तो बनाया है, वहीं इसके हद से ज्यादा इस्तेमाल के साइड इफेक्ट्स भी सामने आ रहे हैं। इस पर नए नए रिसर्च किए जा रहे हैं। हाल ही में हुए एक रिसर्च इस बात का खुलासा किया गया है कि जो छात्र एक दिन में 5 घंटे या उससे ज्यादा समय अपने स्मार्टफोन पर बिताते हैं, उनमें मोटे होने का खतरा ज्यादा होता है। कैलिफोर्निया की सिमोन बोलिवर यूनिवर्सिटी के हालिया शोध के मुताबिक दिन भर में मोबाइल का 5 घंटे इस्तेमाल करने पर मोटापा बढ़ने का खतरा 43% तक बढ़ जाता है। शोध में इसका कारण मोबाइल में व्यस्त रहने के कारण जिम न जाना और खाना अधिक खाना है। जी हां दोस्तों, पूरी जानकारी के लिए आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि लगातार मोटापा बढ़ने पर दिल के रोगों का खतरा भी बढ़ जाता है। स्मार्टफोन का इस्तेमाल करते बहुत अधिक समय बिताना बच्चे में गतिहीन व्यवहार को बढ़ाता है और उनकी शारीरिक गतिविधि के समय को कम कर देता है। इससे उनमें समय से पहले मौत, डायबिटीज, दिल की बीमारी और कई तरह के कैंसर होने का खतरा बढ़ जाता है। तो दोस्तों बढ़ते अगली बड़ी खबर की ओर।
जी हाँ दोस्तों, अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही है वो है कि गलत ड्राइविंग पर जुर्माने का नया नियम इसी माह से हो सकता है लागू, देना होगा भारी जुर्माना। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि राज्यसभा से मोटर व्हीकल अमेंडमेंट बिल 2019 पास हो गया है। वैसे तो बिल पर राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद कानून बन जाता है, लेकिन बिल में छपाई में गड़बड़ी होने की वजह से पहले इसे लोकसभा से पास कराना होगा, इसके बाद बिल राष्ट्रपति के पास जाएगा। ऐसे में उम्मीद जताई जा रही है कि संशोधित मोटर व्हीकल एक्ट इसी माह से देश भर में लागू किया जा सकता है और गलत ड्राइविंग करने वालों को भारी जुर्माना देना पड़ेगा, साथ ही जेल जाने की नौबत भी आ सकती है। जी हां दोस्तों, जैसे कि बता दें कि जो कोई बिना लाइसेंस के ड्राइविंग कर रहे हैं या फिर उम्र से पहले ड्राइविंग कर रहे हैं या फिर तीन लोडिंग बैठा के ड्राइविंग कर रहे हैं तो उनको हो सकता है भारी जुर्माना देना पड़ सकता है। तो दोस्तों, आप लोग भी अगर इन चीजों से गुजर रहे हैं तो उससे सतर्क हो जाएं। तो दोस्तों, पूरी जानकारी के लिए आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि नए मोटर व्हीकल एक्ट में वाहन निर्माता कंपनी और सड़क बनाने वाले ठेकेदार की जिम्मेदारी तय होगी। गाड़ी निर्माण में गड़बड़ी पर वाहन निर्माता कंपनी पर 100 करोड़ रुपए जुर्माने का प्रावधान है। जी हां दोस्तों, पूरी जानकारी के लिए आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो दोस्तों, बढ़ते अगली बड़ी खबर की ओर। बड़ी खबर निकल कर आ रही है वो योजना से जुड़ी कि 3,000 रुपए प्रतिमाह पेंशन स्कीम में भी होगी फैमिली पेंशन की सुविधा। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि मोदी सरकार केंद्र सरकार की तरफ से फरवरी 2019 के अंतरिम बजट में श्रमिकों के लिए पेंशन स्कीम प्रधानमंत्री श्रम योगी मनधन योजना की शुरुआत की गई है। इसके तहत श्रमिकों को 60 साल की उम्र के बाद 3,000 रुपए प्रतिमाह के हिसाब से पेंशन दी जाएगी। दोस्तों, आप समझ गए होंगे कि यानी कि जो 60 साल के होने के बाद 3,000 रुपए महीने उनको पेंशन दी जाएगी। इस स्कीम में फैमिली पेंशन की भी सुविधा दी जाएगी। सरकार ने अब ऐलान किया है कि इस स्कीम का फायदा देश के 15 करोड़ लोगों को दिया जाएगा। इसका सबसे ज्यादा फायदा रियल एस्टेट में काम करने वाले मजदूरों को मिलेगा। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि दरअसल फैमिली पेंशन स्कीम वो होती है जिसमें पति की मौत के बाद पत्नी को पेंशन ट्रांसफर हो जाती है। मतलब पेंशन स्कीम के तहत पत्नी को बतौर नॉमिनी रखा जाता है। इसका फायदा यह होता है कि अगर 60 साल के बाद पति की मौत हो जाती है तो सरकारी पेंशन स्कीम की तरह पत्नी को पेंशन की आधी रकम यानी 50% की जाएगी। वहीं पति की 60 साल से पहले मौत होने पर पत्नी को पूरी पेंशन मिलती है। तो दोस्तों, पूरी जानकारी के लिए आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो दोस्तों, बढ़ते अगली बड़ी खबर की ओर। तो दोस्तों, ये थी अब तक की सभी बड़ी खबरों की अपडेट। लेटेस्ट खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल औसम ज्ञान हिंदी न्यूज चैनल से जुड़े रहिए और हमारे वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दें अपने दोस्तों और रिलेटिव्स के साथ। धन्यवाद दोस्तों।